हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपकी डेली यूज में काम में आ सकते हैं और ये ज़्यादातर कि स्क्रीन पेंटिंग काम में यूज होते हैं। तो मैंने ही बनाया हुआ एक स्ट्रेचर जो कि स्क्रीन को घिसते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे वेराइटी के मैस हैं जो कि आपको 160 है, 200 है, 110 तो मेरे पास ऑलरेडी है जो मैंने आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। उसके बाद और एक है 305 का मैस है। तो उसको किस तरह से स्ट्रेच करके आपकी फ्रेम में इसको फिट करते हैं, किस तरह से सेटअप किया जाता है और किस तरह से स्क्रीन को स्ट्रेच किया जाता है और किस तरह से इसकी फ्रेम में आप बहुत सारे फ्रेम जो साइज मैंने बनाया हूँ ये आपके फोल्डेबल है, आप इसको खोल के रख सकते हैं, कहीं पर लेके भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको डिटेल पूरी डिटेल दूंगा किस तरह से स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से फ्रेम है। मेरे पास जो फ्रेम है वो है 14x16 का जो साइज है वो इंच फ्रेम है और ये भी इसमें इस वाली फ्रेम में बहुत आसानी से लग जाएगा। कपड़ा को स्ट्रेच करेंगे, फ्रेम में किस तरह से फिट करेंगे और उसमें आपका स्क्रीन प्रिंटिंग का काम किस तरह से कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल आप वीडियो में रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखते देखिए आप बहुत सारा नॉलेज गेन कीजिए। तो मेरे चैनल में इस तरह से आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है फ्रेम जो कि साइज इसकी 20 इंची है, 20x20 की है। ठीक है दोस्तों, और ये फोल्डेबल है, आप इसको खोल के कहीं पर रख सकते हैं। इसमें कलर नहीं किया हूँ इस वाली फ्रेम में क्योंकि फ्रेम को मैंने बनाया है और फटाफट से अभी आपके पास सामने लाया हूँ। तो इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद ही कलर करेंगे, फेल होता है या सक्सेस होता है मुझे नहीं पता क्योंकि हमने बनाया हूँ। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, एक हमने एक फुट बाई एक फुट का ये प्लाई लिए हैं जो कि 20 mm की है और इसमें नट बोल्ट सिस्टम किए हैं और ये भी आपका आगे पीछे होने वाला है। ठीक है, ये आगे पीछे होगा, इसमें तरह से ये आगे पीछे होगा और उसके साथ हमने यहाँ पे चार जो है फ्लैट यहाँ पे यूज करेंगे इसको यहाँ पे इस पर टाइट करने के लिए। तो बारी बारी आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा फ्रेम देख लीजिए, किसी छोटी सी टेबल में ये हो जाएगा, ज़मीन में भी रह के आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ सिस्टम है इसमें, आप चाहें तो इसको इस टाइप की कुछ स्वस्तिक टाइप का भी कर सकते हैं या तो फिर आप चाहें तो इसको ऐसे इक्वली आपका फ्रंट टू फ्रंट इसमें रख सकते हैं, उसमें क्या होगा थोड़ी सी इसकी दूरी कम या ज़्यादा हो जाएगी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको मैस, उसके बाद जो लकड़ी का फ्रेम है, उसके बाद इसका कौन सा ग्लू यूज करेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 3 मैस है जो कि मैं यहाँ पे पॉलिस्टर का यूज कर रहा हूँ, नायलॉन का नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, नायलॉन फ्लेक्सिबल रहता है और पॉलिस्टर जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं रहते हैं, वो हार्ड रहते हैं, प्रिंट प्रिंटिंग के लिए अच्छी लास्टिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये पॉलिस्टर है, तो पॉलिस्टर मैस यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये एक पॉलिस्टर है जो कि जिसकी साइज है ये देखिए दोस्तों, ये 100x160 नंबर की है, ये देख सकते हैं, और इसकी जो है ये पॉलिस्टर है, पूरी तरह से ये पॉलिस्टर है। और उसके बाद इसको भी हम स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद ये है मेरे पास है और एक तो पॉलिस्टर का मैस है जो कि इसकी साइज है 200। ठीक है, 200, ये 200 नंबर की मैस है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों पॉलिस्टर कपड़ों से बनी हुई है, ये जो रस्सी है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। मेरे पास और एक तो फाइनल है ये वाली जो पूरी तरह से, ये पूरी तरह से फाइन है जो कि 305 की है और मैं आपको इसकी नंबर दिखाऊंगा। ये US मैस है और UK मैस, और ये दोनों में क्या फ़र्क है, UK मैस में आपको T देखने को मिलेगा, आप यहाँ में देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये नंबर जो दिख रही है आपको 7 मीटर PET 120T, आप नेट में सर्च कर सकते हैं 120T का जो है कितना नंबर मैस में ही काउंट होता है, ये 305 नंबर मैस में काउंट होता है, लेकिन इनों में आपको टी नहीं मिलेगा, अब इसमें आपको नंबर मिलेगा 160, 200, 230। ठीक है, लेकिन इसमें आपको UK मैस में आपको टी मिलेगा, तो ये कन्फ्यूजन रहते हैं। तो स्क्रीन प्रिंटिंग में कौन कौन सा कपड़ा यूज़ करता है, तो हमारा जो मेन रेफर है हमारा जो PCB, तो सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे 160 मैस का यूज करेंगे, उसके बाद 200, उसके बाद ये 120T यानी कि 305 का, और उसके साथ हमने ये फ्रेम बनाया हूँ जो कि है 14x16 का है, ये लंबाई में 16 है और ये चौड़ाई में 14 है। ऑनलाइन मार्केट से या ऑफलाइन मार्केट से बना सकते हैं, मोटी फ्रेम रहेगा, ये थोड़ी सी पतली फ्रेम है, ये फोटो फ्रेम वाला है। तो इसको हम टाल करेंगे इस तरह से, कैसे क्या करना है, कैसा मजबूती है हम इसमें चेक करेंगे कि ये स्ट्रेच करने के बाद ये टूट जाता है क्या होता है, और वो हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको स्ट्रेच करते हैं, और इसके साथ इसको टाइट करने के लिए 743 जो कि है एक इंस्टेंट बॉन्डिंग है जो कि आप इसमें फेविटाइट भी यूज कर सकते हैं, फेविक्विक भी यूज कर सकते हैं, कि अंदर में आपको इस तरह से लिक्विड मिल जाएगी। और इसके साथ और एक तो चीज़ मिलता है इसका, ये उसकी कैप बड़ी करने के लिए। ठीक है, तो हमारा इसको ज़रूरत नहीं है, हम इसी से ही हमारा जो फ्रेम है इसको टाइट कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम करते हैं दोस्तों, देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकेशन चेंज हो गया है, सेटअप चेंज हो गया है, फ्रेम भी हमारा चेंज हो गया है। जो मैं आपको ये वाला फ्रेम दिखा रहा था इसको मैंने वीडियो बना चुका था और मेरा कुछ कारण की वजह से मेरा वीडियो करप्ट हो गया। तो ये जो फ्रेम है देखिए, ये सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप इस टाइप की कुछ भी जुगाड़ू सिस्टम ना ही करें,
और आप इस टाइप की कुछ मोटी फ्रेम आप इसके बना लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है ये फ्रेम ना ही बनाइए क्योंकि इसमें आपका कुछ भी काम नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों ये कपड़ा लूज हो चुका है तो इसको हटाते हैं और इसके ऊपर में नया कपड़ा चढ़ाएंगे, वही 160 मेस का रहेगा। तो ये 160 का मेस का स्क्रीन है और ये मेरा फ्रेम है और इसको हम सेट करने वाले हैं इसकी फ्रेम के हिसाब से। और ये जो आप होल देख रहे हैं ये पहले मैंने कर चुका था तो इसकी वजह से ये होल हो चुका है, तो ये कट जाएगा और इसको रखेंगे इसमें। अच्छा खासा यहाँ पे टाइट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों चारों कॉर्नर से ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो चुकी है। और इस टाइप की कुछ वाटर बोतल है जो कि मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो उतनी जंप है ऊपर आना चाहिए। ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छे से ये जंप कर रहा है, यानी कि हमारा ये स्ट्रेचर अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको ग्लू से इसको फिक्स कर देते हैं, ये पूरी तरह से अच्छे से टाइट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 743 ब्रांड की, ठीक है, क्विक फिक्स बॉन्ड। तो आप इसमें फेवी क्विक भी यूज़ कर सकते हैं, फेवी टाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसको ब्लेड से काटेंगे या किसी भी आपको औजार हो को काट सकते हैं, उससे पहले इसको लूज करनी होगी क्योंकि ये देखिए दोस्तों ये सब पूरा टाइट से बंधा हुआ है, अगर एक भी तरफ भी आप कट लगाएंगे तो ये पूरी तरह से स्प्रिंग के हिसाब से निकल सकता है। तो सबसे पहले जितना भी स्क्रू है उसको लूज करना होगा, उसके बाद इसको कट करके निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन बन के रेडी हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बहुत हार्ड स्ट्रेच हो गया यहाँ पे। तो इसके ऊपर में और भी वीडियो आने वाले हैं, इसके ऊपर में हम सुनाकर चढ़ा के स्क्रीन प्रिंट करने वाले हैं, देखेंगे इस तरह कि इसमें कितना आ रहा है 160 नंबर मेस में, उसके बाद 200 है और उसके बाद 305 है, तो वो भी हम लगा के फ्रेम रेडी करेंगे। आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो जुड़ जाइए। मिलता हूँ दोस्तों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।